छोटी छोटी कहानियां सिखाती बड़ी बड़ी बातें। आज की कहानी एक डॉक्टर साहब की है जो थोड़े सामाजिक कार्य भी किया करते थे। एक बार उनको निमंत्रण मिला एक भाषण देने का, और श्रोता थे पीने वाले लोग, और विषय था शराब के नुकसान, शराब पीने से नुकसान और शराब को किस तरह से छोड़ना। डॉक्टर साहब खड़े हुए। डॉक्टर साहब ने एक घंटा बड़ा धुआंधार भाषण दिया, शराब पीने से होने वाले शारीरिक नुकसान, आर्थिक नुकसान, सारे नुकसानों को समझाया, और फिर ये भी समझाया कि शराब को किस तरह से छोड़ना चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि शराब पीने से क्या नुकसान होता है ये मैं एक एक्सपेरिमेंट से आप सबको समझाऊंगा। उन्होंने कांच के दो साफ ग्लास मंगवाए, एक में शुद्ध जल डाला, दूसरे में शुद्ध शराब डाली। उसके बाद दो छोटे छोटे कीड़े मंगाए, करीब 2 इंच लंबे, एक को शुद्ध जल में डाला, ग्लास को ऊंचा किया, सबको बताया, इनफैक्ट सबको दिखा कि कीड़ा शुद्ध जल में तैर रहा है। उसको जिंदगी में कभी शुद्ध जल नसीब नहीं हुआ, तो शुद्ध जल में ऊपर नीचे आगे पीछे तैरने लगा, और सबको दिखाई पड़ रहा था कि कीड़ा बहुत खुश है। डॉक्टर साहब ने उस ग्लास को नीचे में रखा और फिर शुद्ध शराब वाले ग्लास को उठाया और उसमें दूसरे कीड़े को डाला। दूसरे कीड़े को डाल करके डॉक्टर साहब ने ग्लास को फिर ऊपर उठाया और सबने देखा कि दूसरा कीड़ा शुद्ध शराब के ग्लास में तड़पने लगा। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड और 1 मिनट में तड़प तड़प कर कीड़ा मर गया और उसकी लाश ग्लास के नीचे में आ गई। डॉक्टर साहब ने दोनों ग्लास उठाए। शुद्ध जल वाले ग्लास में कीड़ा मस्ती से तैर रहा था और शुद्ध शराब वाले ग्लास में कीड़ा मर गया था और उसकी लाश शराब के नीचे में पड़ी थी। डॉक्टर साहब ने दोनों ग्लास उठा करके पूछा, ये एक्सपेरिमेंट से आप लोग मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा। थोड़ी देर तक सब चुपचाप रहे, फिर पीछे से एक आदमी उठा और बोला, झूम रहा था बेचारा नशे में, बोला, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं बताता हूं। डॉक्टर साहब बड़े खुश हुए कि देखो, पिए हुए आदमी को भी इस एक्सपेरिमेंट का फायदा, इस एक्सपेरिमेंट से सीख समझ में आ गई। डॉक्टर साहब ने पूछा, बताओ। उस आदमी ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, इस प्रयोग से हम सीखते हैं कि शराब पीने से पेट के कीड़े बिल्कुल मर जाते हैं। कहानी सिखाती है बड़ी चीज, हम कभी भी शब्दों की गहराई में नहीं पहुंचते। शब्दों को ऊपर लेवल में, शैलो लेवल में देख करके उसका शाब्दिक अर्थ निकालते हैं, मर्म को भूल जाते हैं। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।